एंजियोग्राफी बेसिकली पूछते हैं लोग कई बार. सो एंजियो मीन्स आर्टरीज, ग्राफी मीन्स उसका टेस्ट. हार्ट की एंजियोग्राफी जो होती है, जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है. डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स वो जाँच की प्रक्रिया है, वो इलाज निर्धारित करती है, इलाज का मेथड नहीं है. सो इट इज़ द बेसिकली द टेस्ट टू नो कि ब्लॉकेजेस अंदर हार्ट में है या नहीं है. हम एक राइट रिडल आर्टरी को, हाथ की नाड़ी को हल्का सा पंक्चर करेंगे, जो कि थोड़ा सा दर्द करता है, जो नॉर्मल इंजेक्शन में होता है. और उसके थ्रू हम एक शीथ ले जाएंगे, कैथेटर यूज़ करते हैं, और कैथेटर को अंदर ले जाकर के वायर के थ्रू अंदर जाकर के एक सिरा, उसका एक एंड जो है वो कोरोनरी आर्टरीज में चला जाएगा, हार्ट की नाड़ी में, और दूसरा सिरा हमारे हाथ में रहेगा. वो जो हम सिरा हमारे हाथ में रहेगा, उससे हम कंट्रास्ट एजेंट, जिसको हम आम भाषा में डाई भी बोलते हैं, वो देंगे. मुश्किल से 10 से 15 ml डाई में एंजियोग्राफी हो जाती है, और उसको हम सिने पे देखते हैं, मींस मॉनिटर पे देखते हैं कि वहाँ ब्लॉकेजेस हैं या नहीं. कई बार ये पूछा जाता है कि एंजियोग्राफी सिर्फ हार्ट की होती है या कुछ और भी होती है. वेल, एंजियोग्राफी जैसे हमने समझा, नाड़ियों की टेस्ट, नाड़ियों का टेस्ट कैसे करना होता है. हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं. ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है, जिसको हम DSA यानी कि डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी बोलते हैं. हाथ की नाड़ियाँ या पाँव की नाड़ियों की एंजियोग्राफी करनी हो तो उसको हम पेरिफेरल एंजियोग्राफी, या फिर किडनी की एंजियोग्राफी तो रीनल एंजियोग्राफी बोलते हैं. सो आई सेड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजियोग्राफी, जस्ट टू नो वेयर आर द ब्लॉकेजेस इन दैट सेगमेंट ऑफ द आर्टरीज ऑफ द पेशेंट. नॉट टू मच ऑफ प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट. वॉट यू रिक्वायर टू डू इज कम इन द मॉर्निंग, ट्राई टू कीप योर सेल्फ 2 to 3 hours ऑफ फास्टिंग, और उसके बाद में आप एंजियोग्राफी कराएं. मुश्किल से 15 minutes लगते हैं कैथलब में, और उसके पहले का और उसके बाद का समय मिला करके 2 to 3 hours में आपको हॉस्पिटल में रहना होता है, एंड देन यू आर डिस्चार्ज ऑन द सेम डे. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ एंजियोग्राफी, देयर आर प्रैक्टिकली निल रिस्क ऑफ एंजियोग्राफी when we do the test. आपको हॉस्पिटल में जब आप होते हैं, तो जब एंजियोग्राफी हो गई है तो वहाँ पे एक स्ट्रैप बांध दिया जाता है. उस स्ट्रैप को हम बोल देते हैं पेशेंट को, घर जाइए आप आराम से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विद वार्म ल्यूक वार्म वाटर, उसको थोड़ा सा वेट करके, और धीरे धीरे स्वयं ही उसको निकाल सकते हैं. नथिंग मेजर टू बी डन फॉर दिस. रिगार्डिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोग्राफी, देखिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो एंजियोग्राफी नहीं होता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन वन हैज़ टू अंडरस्टैंड, फॉर एवरी इन्वेजिव प्रोसीजर देयर आर मिनिमल रिस्क इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट का अगर पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट 60% है, तो प्रैक्टिकली देयर वोंट बी एनी रिस्क इन्वॉल्व. बट पंपिंग फंक्शन अगर 30% 20% है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग द रीनल फंक्शंस. हमें किडनी के टेस्ट करने होते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह नॉर्मल है या थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. सो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. वेदर द पेशेंट इज अलर्जिक टू द कंट्रास्ट एजेंट डाई और नॉट, वो हम पहले ही टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं. सो प्रैक्टिकली इट इज़ अ टेस्ट विच इज़ प्रैक्टिकली फ्री ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस. Thank you.